अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आया हूँ पंजाब की। आज मैं बना रहा हूँ पंजाबी आलू गोश्त। बहुत ही ट्रेडिशनल वे के साथ मैं बनाऊँगा और सिंपल तरीके से खाने में बहुत मज़ेदार होगा, और इसमें प्रेशर कुकर में बनाऊँगा ताकि ये जल्दी गल जाए। चलें दोस्तों, इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए मैं आपको वह बताता हूँ। दोस्तों मैंने दो प्याज ले लिए, इसे मैंने रफली काट लिया मोटा मोटा। 8 जबे मैंने लिए लहसुन के, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। 1 इंच का अदरक का मैंने टुकड़ा लेके इसे भी छोटे छोटे पीस में काट लिया है। इन दोनों को आप पीस कर भी डाल सकते हैं, इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल ऑप्शन आपके ऊपर है, जैसे आपको पसंद है। मैंने एक बड़े साइज़ का लाल टमाटर लेकर इसे काट लिया है। 2 सब्ज़ मिर्च मैं इस्तेमाल करूँगा इसमें, और 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू धो के छील के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 1/2 किलो मैंने बकरे का गोश्त लिया है, भेड़ का ले लें आप, दुंडे का ले लें, जो भी आपको पसंद है वो ले लें। और मैं हमेशा इसे फ्रीज़ करके इस्तेमाल करता हूँ ताकि इसका जो बैक्टीरिया है थोड़े कम हो जाए। इसका तरीका ये होता है कि आप गोश्त को लेकर आए, उसे अच्छे तरीके से धोकर उसे फ्रीज़ कर लें, फिर 24 घंटे बाद इस्तेमाल करें। दोस्तों इसमें जो स्पाइस जाएंगे वो भी आसान और सिंपल से, 1/2 टीस्पून मैं लाल मिर्च इस्तेमाल कर रहा हूँ, और 1/4 के करीब मैं हल्दी इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1 टीस्पून मैं ज़ीरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1 टीस्पून हमें चाहिए नमक। और जो साबुत मसाले हैं उसके अंदर मैंने 2 सब्ज इलायची ली है, 1 मोटी इलायची ली है, 1 इंच का मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, और 6-7 मैंने मोटी जो है काली वाली जो है मिर्च साबुत वो ली है, 4 से 5 मैंने लौंग ली है, और 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल इस्तेमाल करेंगे। चलें दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। लेंगे दोस्तों आलू गोश्त बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर रख लिया है, इसमें मैंने 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है, और इसमें हम सबसे पहले प्याज डालेंगे। लहसुन डालेंगे और अदरक डालेंगे, और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन हम करेंगे। दोस्तों लाइट गोल्डन ब्राउन हमारे अदरक लहसुन प्याज हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे, 1/2 किलो मटन, सारे मसाले और 2 सब्ज़ मिर्चें और टमाटर, और अच्छे तरीके से इसे भुनेंगे ढक के। लेंगे दोस्तों मैंने मसाले और गोश्त को 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया, अब हम इसे इसमें पानी शामिल करेंगे 1.5 लीटर। और जैसे ही बॉयल आता है तो इसे हम प्रेशर लगाएंगे। मेरे पास ट्रेडिशनल जो है प्रेशर कुकर वो है, अगर आपके पास मॉडर्न प्रेशर कुकर है आप उसमें 3 से 4 सीटी लगा लें जब तक गोश्त गल जाए। इसमें मैं 35 से 45 मिनट इसे प्रेशर कुकर में रखूँगा, जैसे ही बॉयल आता है फिर इसे मैं ढक दूँगा ऊपर से। लेंगे दोस्तों गोश्त के अंदर बॉयल आ गया, अब हम इसे ढकेंगे, प्रेशर कुकर लगाएंगे, इसे सिटीज के ऊपर रख देंगे, और हम इसे 35 से 45 मिनट टेंडर करेंगे प्रेशर कुकर में। जैसे ही होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद हम इसे इसमें आलू डालेंगे, 10 से 15 मिनट हम बॉईल करेंगे, पकाएंगे आलूओं को, तो हमारा आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। अभी हम इसमें से नहीं डाल रहे, अदरवाइज़ जो इसका जो है आलू बिल्कुल गल जाएंगे, बीच में घुस जाएंगे, ख़राब हो जाएगा सालन, तो हमेशा आलू सबसे लास्ट में डालिए जब भी आप आलू गोश्त बनाएँ। लेंगे दोस्तों 45 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, 35 से 45 मिनट, तो मैंने प्रेशर रिलीज़ कर दिया है, आप देखें पानी कितना हमारा कम रह गया। अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे 15 मिनट के लिए, ढक के से पकाएंगे, एक दफ़ा हला लें,
अब ढक दें इसे 15 मिनट के लिए बगैर सीटी के। जैसे ही आलू गलते हैं फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार पंजाबी आलू गोश्त तैयार है। ट्रेडिशनल वे से मैंने बनाया है। हमारा जो है आलू भी बहुत अच्छे गल चुके हैं और गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, बहुत टेंडर है। तो आपको पता है मैंने प्रेशर कुकर में बनाया गोश्त को, 35 से 45 मिनट आप भी दे दें तो आपका भी गोश्त बहुत टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, टूटेगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और दोस्तों जाते हुए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आपके ऊपर ऑप्शन है, आप लास्ट में इसके ऊपर कटा हुआ धनिया डाल लें या कटा हुआ पुदीना डाल दें। मैंने पुदीना डाला है 1 टेबल स्पून के करीब पूरी हंडिया में, तो उससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। आप इसे नान के साथ और सूखी रोटी के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, या पराठे के साथ।